हेलो फ्रेंड्स, रिसर्च यूनिट में आपका स्वागत। यहाँ पर देखेंगे कि डिसीज एक्टिविटी इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं टीएनबीएस इंड्यूस्ड कोलाइटिस में, लाइक दूसरी भी डिसीज जैसे कि डीएसएस मॉडल है या डीएनबीएस इंड्यूस कोलाइटिस है। तो सारे जो डिसीज है, मीन्स जैसे ये कोलाइटिस की डिसीज है, तो उसमें डिसीज एक्टिविटी इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। तो ये सिंपल से ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास, हमने उसके उसको कैलकुलेट करने के लिए एज पर लिटरेचर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो हमारे पास एक लिटरेचर है जिसके हिसाब से डिसीज एक्टिविटी इंडेक्स वॉज डिटरमाइंड बाय द कंबाइंड स्कोर्स ऑफ बॉडी वेट लॉस, स्टूल कंसिस्टेंसी एंड क्रॉस ब्लीडिंग, मिस यहाँ पर ऑकल्ट ब्लड है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको इसमें ध्यान रखने हैं, जैसे कि बॉडी वेट का लॉस कितना है, स्टूल कंसिस्टेंसी कितनी है थी ड्यूरिंग इंडक्शन, और उसमें ओकल्ट ब्लड फाइंड हुआ है कि नहीं, यानी फिजिस में ब्लड की मात्रा फाइंड हुई है कि नहीं। तो इस पर से कोलाइटिस में डिसीज का लेवल कितना है वो बताया जा सकता है। तो डिसीज एक्टिविटी इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, पहले मैंने बॉडी वेट यहाँ पर निकाल लिया है जो एज यूजल मैं चार ग्रुप्स दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर पहले बॉडी वेट में पहला ग्रुप नॉर्मल कंट्रोल, डिसीज कंट्रोल, और तीसरा स्टैंडर्ड, और चौथा ट्रीटमेंट ग्रुप है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मैंने 0 डेज का यहाँ पर लिया है, इसमें 6 एनिमल्स हैं पूरे ग्रुप में, 0 डेज से लेके 7 डेज तक यहाँ पर बॉडी वेट सबके ले लिए हैं, और ये सारे ग्रुप्स के लिए लिए हैं। और फिर उसमें से हमने यहाँ पर परसेंटेज बॉडी वेट चेंज निकाल दिया, यानी कितना बॉडी वेट 0 से 0 डेज में 1 को माइनस करेंगे तो कितना था, और 0 डेज में 2 को माइनस करेंगे तो कितना है। यानी कि आपने 0 डेज में जो एनिमल्स का बॉडी वेट ले लिया है, उसके बाद आपको ये माइस में किया गया है, और इसमें क्या किया है कि 0 डेज पे आपको हमें रीडिंग ले लेना है, फिर उसके बाद पहले से लेके 7वें दिन तक भी आपको बॉडी वेट लेना है। अब 0 डेज पे जिस दिन आपने इंड्यूस नहीं किया है उस दिन आप यहाँ पर बॉडी वेट लेंगे और उससे माइनस करेंगे दूसरे दिनों का। तो यहाँ पर आपका परसेंटेज बॉडी वेट चेंज है वो यहाँ पर निकल आएगा। तो ये ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट करना आपको एक वीडियो में सिखाया है कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली डे 0 से को हमने डे 1 से माइनस किया है। तो उसमें क्या है कि उससे क्या होता है कि आपका जो डे 0 को जो है कम वेट रहता है और डे 1 को बढ़ गया रहता है, तो उसे आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका परसेंटेज बॉडी वेट चेंज निकल आएगा। तो यहाँ पर ये लिखा है पर ये उल्टा है, ये इसमें आपको समझना है कि डे 1 को 0 से माइनस किया है, तो ये इसमें एक गड़बड़ है, तो ये आप समझ जाइएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, फॉर्मूला से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर C5 माइनस यहाँ पर B को यहाँ पर हमने लॉग कर दिया है डिवाइडेड बाय B इनटू 100। यहाँ पर ये फॉर्मूला सेट करके हमने यहाँ पर निकाल लिया है डे 1 माइनस 0। तो यहाँ पर परसेंटेज बॉडी वेट जो चेंज है हम यहाँ पर निकाल लिए हैं। तो मेरा जो वीडियो होगा परसेंटेज बॉडी वेट गेन के हिसाब से रहेगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पर 0 डे पे जब आप एनिमल्स को बॉडी वेट लेके फिर डिसीज इंड्यूस करोगे तो
टीएनवीएस का डोज दिया जाएगा इंट्रारेक्टल, तो वो क्या करेगा कि बॉडी वेट रिड्यूस कर देगा एनिमल्स का, जिसमें पूरी तरह से मीन्स बॉडी वेट रिड्यूस होगा। और यहाँ पर आप सोचेंगे कि नॉर्मल कंट्रोल में भी रिड्यूस होगा, तो जी हाँ, इसमें नॉर्मल कंट्रोल में भी बॉडी वेट रिड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पर 50% अल्कोहल हमको नॉर्मल कंट्रोल ग्रुप में भी देना पड़ता है एज पर मॉडल की रिक्वायरमेंट, तो टीएनवीएस इंड्यूस कोलाइटिस में। तो यहाँ पर हमें परसेंटेज बॉडी वेट चेंज मिल गया है, तो हमने सबका इसी से कैलकुलेट कर लिया है। तो ये परसेंटेज बॉडी वेट गेन का जो कैलकुलेशन है, उसको मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में दिखाया हुआ है, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूंगा उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपको इजीली यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने यहाँ पर इसका डे वाइज डे 1 2 से लेके डे 7 तक का हमने यहाँ पर मीन निकाल लिया है, और ऐसे इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये यहाँ से यहाँ पर सिर्फ आपको सेट करना है लिंक से। तो ऑलरेडी ये भी वीडियो में हम दिखाया है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं आते हैं। तो ये हमारा एसीएम है, और इस पर से हमने ये ग्राफ डिजाइन कर लिया है। तो यहाँ पर नॉर्मल कंट्रोल, डिसीज कंट्रोल, स्टैंडर्ड का हम यहाँ पर रेडीमेड, अब इसे आप पेस्ट करके एक ग्राफ डिजाइन कर सकते हैं, इसका परसेंटेज बॉडी वेट चेंज का। तो ये आपका ये परसेंटेज बॉडी वेट का चेंज का ग्राफ, बट अब यहाँ पर बॉडी वेट चाहिए था, पर आपको यहाँ पर स्कोरिंग करनी है इसी रीडिंग्स में, ये कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर इसका और इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको स्कोर करना है। तो ये स्कोर कैसे करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास एक रेफरेंस मैंने बना के रखा है, कि हमारे यहाँ पर डिसीज एक्टिविटी इंडेक्स कैलकुलेशन के लिए डीएसएस, टीएनवीएस और डीएनवीएस इंड्यूस कोलाइटिस के लिए चेंज इन बॉडी वेट, इसमें स्कोर कैसे करना है, गेन बॉडी वेट और रिमेन द सेम। तो यहाँ पर इसको 0 आपको देना है स्कोर, यहाँ पर मेथड दी हुई है कि कैसे आपको बॉडी वेट मीन्स यहाँ पर स्कोरिंग करेंगे जो बॉडी चेंज इन बॉडी वेट पर। तो जैसे बॉडी वेट में जो अगर गेन करता है या रिमेन द सेम, उसको आपको 0 देना है। अगर लॉस्ट 1-3% है, तो ओरिजिनल बॉडी वेट से 1-3% बॉडी वेट जो लॉस है, तो उसको 1-3 देना है, और 3-5% को 2 देना है, और 5% से आपको 5 देना है। तो यहाँ पर जो स्कोर देखेंगे बॉडी वेट का ग्रुप वाइज, जो यहाँ पर परसेंटेज गेन है, इसी को यहाँ पर ग्रुप वन का, इसी को मैंने यहाँ पर चेंज करके परसेंटेज वाइज लिख दिया। तो आप देखेंगे 1-0 का जो है उसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर 2-2.3, तो इसका आप देखेंगे तो हमने रेफरेंस स्कोर में, तो यहाँ पर 1-1-2, यहाँ पर 1-3% के लिए आपको 1 देना है, तो इस हिसाब से यहाँ पर स्कोरिंग 1 कर दिया है। अब सेकंड में देखेंगे कि कितना है स्कोर, एनिमल 2 में 4-15, तो यहाँ पर आपको रेफरेंस में देखेंगे 3-5 के लिए आपको 2 देना है, वहां पर स्कोर देखेंगे यहाँ पर हमने 2 दे दिया है। अब 3 क्यों दिया है उसको हम देखेंगे, यहाँ पर -6.88 है, तो यहाँ पर आप देखेंगे रेफरेंस में मोर देन 5% आपको 3 देना है। तो ये स्कोरिंग मेथड यहाँ पर इस हिसाब से ये सारे ग्रुप्स का हमने स्कोरिंग कर लिया है। अब ये स्कोरिंग को हम यहाँ पर जैसे हमने पहले लिखा था मीन एसएम, इसे हम यहाँ पर इकट्ठा कर लेंगे और उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, इस हिसाब से एक डिजाइन बना लिया हमने इसको। ये आप इसे इसे कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ से लेके, यहाँ से
इस फॉर्मेट में मीन एसईएम और नंबर ऑफ एनिमल्स, यहाँ पर आप इसे कॉपी करके अगर ग्राफेड पिज़्म में डालेंगे तो मैं आपको एक ग्राफेड पिज़्म में दिखा देता हूँ कि आपको क्या करना है। यहाँ पर क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है मीन एसईएम एंड नंबर ऑफ एनिमल्स, और यहाँ पर आपको टाइटल लिखना है नॉर्मल कंट्रोल ओके, और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है सारी रीडिंग। और यहाँ पर आपको बेस डालना है डी 127, यहाँ पर जैसे आपने लिखा है इसे हम डालेंगे। और इसे हम एनालाइज कर लेंगे यहाँ पर ओके। लास्ट ऑप्शन ऑप्शन ओके ओके। यहाँ पर आप ग्राफ देखेंगे और इसे अब हमें चेंज करना है। ये आपका ग्राफ यहाँ पर रेडी हो गया। तो ये सिंपली एक मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया है डिसेस एक्टिविटी इंडेक्स का। तो ये इस तरीके का आपका ग्राफ बन जाएगा, पर आगे हम पूरा कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बॉडी वेट स्कोर का हमने देख लिया कि कैसे स्कोरिंग आपका यहाँ पर ग्राफ मिल रहा है। तो ये एक फॉर्मेट है आपका जिससे कि आप ग्राफ किसी भी इस डाटा का कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पर फिकल ओकल ब्लड है, तो इसमें क्या है, आप चेक करेंगे इसे भी डे बाय डे आपको सारे एनिमल्स का फीकल चेक करना है। डे 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डेज तक। डे 0 का इसलिए आपको चेक करना है कि पहले से एनिमल्स बीमार है या नहीं, और इसका कैलकुलेशन में कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला जो है आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैं रख रहा हूँ, मैं लास्ट डाटा में उसे इंक्लूड नहीं करूंगा। तो यहाँ पर जो रीडिंग्स के हिसाब से आप फिकल ओकल ब्लड कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम यहाँ पर देख लेंगे कि जो रेफरेंस में हमारे पास है फिकल ओकल ब्लड में जो 0 है ओकल ब्लड अब्सेंट, यानी कि जिसमें ब्लड का कंटेंट नहीं है जो फिकल मटेरियल में। नेक्स्ट है फिकल ब्लड डिटेक्टेड 1 में है। दूसरा है ब्लड स्टेन इन फिजिस, फिजिस जो आपका फिजिस का जो पेलेट होगा माइस का या रेट का, उसमें एक ब्लड स्टेन दिखेगा ऑब्जर्व होगा तो उसे 2 देना है। और सिग्निफिकेंट ब्लडिंग इन फिजिस यानी ज़्यादा ब्लडिंग दिख रही हो तो उसमें आपको 3 देना है। तो ये जो स्कोरिंग करने का मेथड है, तो ये इसको हम यहाँ पर फिकल ओकल ब्लड में यहाँ पर स्कोरिंग करेंगे। हर एनिमल्स को आपको सेपरेट केज में रखना पड़ेगा उस दिन, और हर एनिमल्स का जो फीसिस है वो फ्रेशली कलेक्ट करना पड़ेगा, और उससे हीमोस्पोट या कोई भी किट से आपको इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि फीकल जो पैलेट्स हैं उसमें हीमोस्पोट है कि नहीं। ये कैलकुल इसमें आप देख लेंगे कि नॉर्मल कंट्रोल वाले ग्रुप में भी बहुत बार इसमें रीडिंग्स आती हैं, क्योंकि आपको नॉर्मल कंट्रोल वाले ग्रुप में भी 50% अल्कोहल का आपने एज ए व्हीकल ऐड किया है उसमें, तो इसलिए उसमें भी बहुत बार रीडिंग्स आती हैं। फिर डेट इसमें G2 का आपको चेक करना है। बहुत बार क्या होता है कि डे 1 पे आपका जो है टीएनबीएस इंड्यूस कोलाइटिस में रिजल्ट नहीं भी आता, तो हो सकता है उसमें आपको सपोर्ट ना मिले, फिर वो डे 3 और डे 4 पे वो बढ़ जाते हैं उसकी स्टेनिंग।
आपको देखना है फिकल ओकल ब्लड, उसे भी आपको उसी फॉर्मेट में आपको डिजाइन कर लेना है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। तो आप इस फॉर्मेट में निकालेंगे और इसे आप ग्राफ में डालेंगे और प्लॉट करेंगे, तो आपका जो रीडिंग है वो जैसे मैंने अभी बताया था आपको, ऐसे ही आपका एक ग्राफ रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे हमारा तीसरा पॉइंट है फिकल कंसिस्टेंसी। फिकल कंसिस्टेंसी में जो फीड पैलेट है, फीकल के पैलेट रहता है जो राइट रेडियमाइल्स का, जब आप उसे फ्रेशली कलेक्ट करेंगे पर डे उसको सेपरेट केज में रख के, तो आपको दिखेगा कि जो फेसेस हैं उसका पैलेट सॉफ्ट है, हार्ड है या डायरियल है। मीन्स बहुत बार क्या है डायरियल होगा तो उसमें आपको पैलेट नहीं मिलेंगे, एकदम लिक्विड ही मिलेगा। तो ये कंडीशन है तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको फिकल कंसिस्टेंसी की रीडिंग्स डालनी है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 जो रेफरेंस के हिसाब से है आप देखेंगे फिकल कंसिस्टेंसी में नॉर्मल फिशेस को आप 0 देंगे, सॉफ्ट फिशेस जो यहाँ पर सेमी सॉलिड जैसा होगा उसको 1, माइल्ड डायरिया के लिए 2 और सीवियर डायरिया में 3 आप ऐसे यहाँ पर करना है। तो ये स्कोरिंग मेथड है और उसके बाद इसमें भी सेम टू सेम मैनर में आपको अरेंज करना है यहाँ पर, और ये अरेंजमेंट आपको सेट करनी है। तो ये आपको तीनों में निकाल लेना है, बॉडी वेट स्कोर में, फिकल्ड ओकल ब्लड में और फिकल कंसिस्टेंसी। अब इस पर से हम क्या करेंगे, डी ए आई डिसीज एक्टिविटी स्कोरिंग का जो है वो हम डी ए आई कैलकुलेट करेंगे, डिसीज एक्टिविटी इंडेक्स। तो यहाँ पर हमारे सारे रेफरेंस में हमने कैलकुलेट कर लिया है, कैलकुलेट करने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। अब ये रीडिंग्स हमें यहाँ पर डी ए आई स्कोर में कैलकुलेट कैसे करना है अब हम देखेंगे। यहाँ पर मैंने क्या किया है, ग्रुप का पहले कॉलम ले लिया है, फिर नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं पर ग्रुप और एनिमल्स के नंबर्स 1 to 6। फिर यहाँ पर पहले मैंने कंसिस्टेंसी ले लिया है, जो हमने फिकल कंसिस्टेंसी देखी थी वो फर्स्ट। फिर नेक्स्ट यहाँ पर ओकल्ड ब्लड, फिकल ओकल्ड ब्लड को यहाँ पर ऐड कर दिया है। फिर बॉडी वेट जो चेंजेस के हिसाब से हमने यहाँ पर स्कोर के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया था वो यहाँ पर ले लिया है। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पर टीआई स्कोर कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर इसे कैलकुलेट कर लिया है, तो यहाँ पर इसकी एवरेज को ले लिया है, ये तीनों के एवरेज को यहाँ पर सेट कर दिया है। और ऐसे ही हमने 0 डेज के डे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सबका कैलकुलेट कर लिया है। पर यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है, यहाँ पर डे 0 की आपको जरूरत नहीं है, तो इसे आपको यहाँ से निकाल देना है या इसे कंसीडर नहीं करना है लास्ट। और डे 0 का आपको यहाँ पर जहाँ पर भी आपने बनाया हो उसे आपको कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि आपने बॉडी वेट में डे 0 नहीं लिया है। तो यहाँ पर हर जगह हमें डे 0 का जो इतना भी रीडिंग्स जहाँ पर है उसे डिलीट कर देना है हर जगह, क्योंकि आप बॉडी वेट में जो डे 0 है उसे आपने परसेंटेज बॉडी वेट चेंज के लिए ऑलरेडी यूज कर लिया है। तो दूसरी जगह आपको डे 0 का ऑप्शन नहीं मिल रहा है और उसकी जरूरत भी नहीं है यहाँ पर। तो डी ए आई इंडेक्स में आपको याद रखना है कि आपको पूरी तरह से सारा चीज कैलकुलेट तो वैसे ही करना है, और यहाँ पर मीन और एस सी एम को आपको कलेक्ट कर लेना है जो जैसे मैंने आपको पहले बताया है। तो यहाँ पर एक एक डाटा आपको एंट्री करनी पड़ेगी वहां पर जो एवरेज एरिया है,
उसका डे जीरो का से लेकर डे सेवन तक, और यहाँ पर डे जीरो की रीडिंग्स आपको नहीं लिखनी है। तो यहाँ पर जो मैंने डे वन का लिखा है, डे टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन, तो यहाँ पर सारे 1 to 7 days का हमने डाटा ले लिया है और उसे कंपाइल कर लिया है नॉर्मल कंट्रोल डिसीज कंट्रोल स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट का। अब हमारा DEI इंडेक्स यहाँ पर कैलकुलेट हो चुका है। अब हम इसे उठाएंगे और इसे कैलकुलेट करने के लिए सेम टू सेम ग्राफ में हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर हमारा जो DEI इंडेक्स है उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये यहाँ पर आपका सारे दिनों का बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स कैलकुलेट हो जाएगा और चारों ग्रुप का। तो इसे अब हम कलर दे देंगे। तो ये हमारा जो अब कंपेरिजन यहाँ पर निकल गया है, यहाँ पर हम लिखेंगे DEI स्कोर, यहाँ पर लिखेंगे डेज। यहाँ पर हमने डिजीज एक्टिविटी इंडेक्स यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। तो अब यहाँ पर एक चीज ये देखना है कि इसमें जो रीडिंग्स आई हैं, रीडिंग्स तो डाटा ऐसा नहीं है, ये ऑलरेडी बनाया हुआ डाटा है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वहाँ पर पूरी तरह से परफेक्ट रिजल्ट दिखेगा। तो ये एक मीन्स आइडिया लेने के लिए मैंने आपको बताया था कि डिसीज एक्टिविटी इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है कोलाइटिस में, तो उसके लिए है। तो अगर यहाँ पर जैसे नॉर्मल कंट्रोल आप देखेंगे तो उसमें जो डिसीज का लेवल है, हमने 1 से 1 0 to 3 का स्कोर किया था, तो यहाँ पर 3 तक आपका डे 0 पे ये कम रहेगा। मीन्स डे 1 पे यहाँ पर हो सकता है डिसीज आपका ज़्यादा हो, 2 से 3 के आसपास पहुँच गया हो, और उसके बाद ये बहुत बार और आगे जाता है और फिर रिड्यूस होता है। तो ऐसा इसका ग्राफ आने की संभावना है। यहाँ पर जो रीडिंग्स थी मेरी वो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई थी, इसलिए इसका प्रॉपर रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। पर ओवरऑल देखने जाएंगे तो डिसीज एक्टिविटी स्कोर जो है, इंडेक्स है, वो आपको इसी हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मैंने रेफरेंस लिया था ज़ियोंग एट ऑल बीएमसी गैस्ट्रो एंटरोलॉजी 2016 से। तो ये आप ये आर्टिकल का रेफरेंस मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर से आप इसे चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपका डिसीज एक्टिविटी इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा ये पूरा वीडियो और ग्राफ, और इसमें यहाँ पर आपको जो हमारा ग्राफ है उसमें आपको सिग्निफिकेंट कैसे कैलकुलेट करना है, अगर उससे आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपको ऐसा ही एक वीडियो लेके उसमें इसमें सिग्निफिकेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बता दूंगा। वैसे मैंने ऑलरेडी मेरे 2A NOVA वाले ग्राफ में इसमें सिग्निफिकेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मेंशन किया हुआ है, तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। इसे मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को भी डाल दूंगा जिससे आप उसे कैलकुलेट कर सके। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे कमेंट करके बताइए, और किसी टेस्ट को आप जानना चाहते हैं या कोई एक्टिविटीज को जानना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट कीजिए। अगर मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तो मैं जल्दी से आपको उसका रिप्लाई दूंगा एक वीडियो के रूप में। थैंक यू फॉर वॉचिंग रिसर्च मिट्स। थैंक यू वेरी मच।
अच्छा,